आज तो हमारे एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये कोई स्पेशल मिनी व्लॉग नहीं है, या वो मिनी व्लॉग कर रहा हूँ या व्लॉग नहीं है। सो इसमें कुछ मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहले तो भाई आपको पता ही होगा कि रोहित भाई ने, हमारे रसल चैटर भाई ने एक व्लॉग वीडियो डाला, जिसका भाई टिकट टुकट मतलब बैठक में जाने का एक्चुअली था भाई, कि बैठक में जिसको जाना है तो उसका टिकट मतलब उन्होंने निकाल दिया। तो भाई 2200 प्राइस रखी थी उस टाइम एक नाइट की, और सेकंड नाइट की भी 2200। तो भाई और उसमें डिस्काउंट कूपन था 50 लोगों के लिए, तो 50 लोगों का भाई टिकट नहीं बिका था भाई। तो मतलब ऐसा हुआ कि भाई बहुत सारे बंदे मतलब सैड हो गए भाई, कितना पैसा कहाँ से। मैं खुद भी भाई पैसे नहीं थे मेरे पास, अगर कूपन डिस्काउंटेड होने के बाद भी 1750 का था तो ये मान के चलो भाई कितना ज़्यादा था। बट इस ट्रिप पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, मतलब क्रिटिसाइज किया गया रोहित भाई को, चेतन भाई को। हमने कमेंट भी करा था भाई, पर पता नहीं उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। मेरा देखा था स्टेटस, उन्होंने मैं डाला भी था इंस्टाग्राम पे, अगर नहीं देखा तो तुम जाके देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो भाई चले जाना फॉलो कर लेना मुझे भी। एंड तो फिर उसके बाद भाई रोहित भाई ने फिर उस चीज़ को रिमाइंड किया, और एक और वीडियो उन्होंने आज के दिन ही निकाला, मतलब आज हो गई है आपकी 21 तारीख, उन्होंने 2 दिन पहले डाला था और 2 दिन बाद एक और नई वीडियो डाल दी। भाई मुझे बहुत बुरा लगा, रोहित भाई ने हमें रिप्लाई नहीं दिया, बट कोई बात नहीं भाई, आई थिंक प्रॉब्लम्स तो सभी को हो सकता है भाई। बहुत बड़े मतलब भाई यूट्यूबर है, 1 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसलिए शायद नहीं दे पाए रिप्लाई। बट कोई नहीं, मतलब मैं कभी हेट नहीं कर सकता भाई उनसे, सभी बंदे मतलब बहुत सारे हमारे जो ग्रुप में जुड़ रखे बैठक, चलो शुरू से बैठक पहले में आए थे, उन्होंने ग्रुप बनाई थी हमने, तो उसमें बहुत सारे बहुत सारे लोग ने हेट मतलब कमेंट किए थे, थोड़े से मतलब कर दिए भाई गुस्से में आके, भाई इतना ज़्यादा प्राइस है तो कोई भी कर सकता भाई, इंसान का नेचर ही ऐसा होता है। फिर रोहित भाई ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं इसीलिए तो उनको इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ भाई, इसीलिए यही है वो रीज़न भाई। रोहित भाई ने कम्युनिटी पोस्ट डाली, उसके बाद उन्होंने पूछा कि प्राइस किस हिसाब से होना चाहिए। भाई मुझे लगता है रोहित भाई ने 2200 रखे, उन्होंने सोचा कि खाना पीना ज़्यादा करेंगे, बट मैं यार बोलना चाहता हूँ थोड़ा कम भी चलेगा यार, मतलब पिछली बार भी बेस्ट था यार, मैं कहता हूँ 500 रुपये में रोहित भाई ने जितना कर दिया ना, बेस्ट था मेरे हिसाब से। बट भाई थोड़ा सा प्राइस अब की बार बहुत मतलब दोबारा दूसरी वीडियो में भाई 1000 हो गया प्राइस, जो कि बेस्ट है मेरे लिए। आई थिंक 1000 मतलब गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये प्राइस पहले रखते तो यार इतना तो एटलीस्ट दिक्कत नहीं होती ना, तो कोई नहीं भाई, रोहित भाई ने सोचा, थैंक यू भाई आपने मतलब इतना सोचा लोगों के लिए। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोहित भाई भाई सही में बढ़िया बंदे हैं यार, मतलब उन्होंने शायद रिप्लाई नहीं दिया, बट कोई बात नहीं यार, ऐसा चलता रहता है। सो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरे को जाना है रेसलमेनिया बैठक देखने, वैसे अभी मैं बिहार में हूँ, अभी मैं 27 को आई थिंक चला जाऊँगा यहाँ से दिल्ली, तो वहाँ पे जाके मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा कि रेसलमेनिया में मतलब हम बैठक में गए तो क्या क्या हुआ। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, सेकेंड नाइट पर जाऊँगा मैं, फ़र्स्ट नाइट की टिकट मैं नहीं ले पाया, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, एक्चुअली पैसे नहीं है यार। मैंने अभी असाइनमेंट, अभी मैं इग्नू से, आपको पता है मैं बीए कर रहा हूँ, अभी एग्जामिनेशन फ़ीस बढ़ी है 2000 रुपये, मेरे पहले ही मतलब पैसे नहीं थे, एक्चुअली किसी और से मैंने मांग के भरा है, मेरे पास सच में पैसे नहीं थे भाई। बट मैंने कैसे भी करके फर्स्ट नाइट की तो टिकट नहीं ले पाया, बट सेकेंड नाइट की मैंने टिकट ले ली है, जिसमें रोमन रेंस वर्सेज कोडी रोड्स का मैच मेन इवेंट में, तो मेन इवेंट वाला मैच देखेंगे। आई थिंक मैं पहले वाला भी ले लेता, फर्स्ट नाइट का भी ले लेता, बट पैसे नहीं है यार। चलो कोई नहीं, पैसे नहीं हो पाए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता एक्चुअली यार। देखो अब किसी के साथ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है भाई, देखो बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह ही, मैंने अपने व्हाट्सएप में भी ग्रुप में भी जितने हमारे साथ जुड़े थे सभी ने ज़्यादातर सेकेंड नाइट की टिकट ली है, और उनमें से मैं भी हूँ, तो सेकंड नाइट को मिलते हैं सभी को भाई, मैं फर्स्ट नाइट को नहीं आ पाऊँगा, सॉरी टू से, बट वीडियो में अपने भाइयों से जुगाड़ करवा के फर्स्ट नाइट की भी मंगवा लूँगा, तो फर्स्ट नाइट की भी आपको सारी क्लिप मिल जाएगी, मतलब मैं नहीं जाऊँगा बट आपको क्लिप मिल जाएगी, शॉर्ट्स में डाल दूँगा, या तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा फर्स्ट नाइट की भी और सेकेंड नाइट की भी, तो टेंशन मत लेना। जो जो हमारे सब्सक्राइबर है भाई, सभी को हम कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करें, सब कुछ दिखाएं, रोहित भाई का क्या रिएक्शन रहा। वैसे मैं रोहित भाई से भी मिलूंगा तो पूछूंगा यार एक बार ज़रूर, यार रोहित भाई यार थोड़ा सा तो हमारे लिए कर देते, हम तो
पहले भी रॉयल रंबल में भी आए गए थे, तो आई थिंक यार हमारे लिए थोड़ा सा तो डिस्काउंट करना चाहिए था। कोई नहीं, अब बहुत डिस्काउंट हो गया यार, बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिया, थैंक यू दिल से। मतलब भाई ऐसे नहीं, हेट नहीं है भाई कभी। मैं सच बताऊँ रोहित भाई जैसा मतलब मैंने यूट्यूबर नहीं देखा कभी, और ना मैं सच बताऊँ उतना ज़्यादा किसी को पसंद करता है, एक ट्रिगर इंसान और एक रोहित पंत जो भी है भाई, रसल चैटर हमारे भाई, मतलब इतना ज़्यादा हम्बल है ब्रो, मैं सच बता रहा हूँ। इतने अच्छे बंदे बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पे देखने को, और चेतन भाई भी अच्छे, बट यार मतलब रिप्लाई नहीं दिया ना, थोड़ा सा दुख हुआ यार, क्या थोड़ा रिप्लाई वप्लाई दे दिया करो यार, हमें भी दे दिया करो यार, सबको देते हो एक, मतलब बहुत बंदों को आपने दिया है। जब ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट डालते तो फिर मैं देखा कि भाई वो रिप्लाई देते, बट मुझे नहीं दिया। कोई नहीं यार, चेतन भाई ने मेरा स्टोरी भी देखा था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, कोई नहीं, चलता रहता है ये सारी चीज़ें। तो हाँ यही इन्फॉर्मेशन थी आपको जो देनी थी। सो आई होप कि भाई आप सब रेडी हो गए बैठक में जाने के लिए। कौन कौन जा रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं तो आ ही रहा हूँ, अब में से कौन कौन आ रहा है मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो कि बैठक में कौन कौन जा रहा है। और अब की बार जगह दूसरी बार होने वाली है तो वहाँ जाने में भी मज़ा आएगा ना। आई होप यू गाइज इन्जॉय तो नहीं कह सकता भाई, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपका क्या राय है, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज़ पर तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो यार, अब तो मेरे 750-800 होने वाले हैं, 1000 करवा दो फटाफट, और बैठक की वीडियो आते आते मुझे लगता है 1000 हो जाएंगे आराम से। सो प्लीज़ सभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों भाइयों सभी के साथ। मैं क्योंकि फैमिली फ्रेंडली ब्लॉग डालता हूँ भाई, कोई ऐसी चीज़ें नहीं डालता जो तुम नहीं देख सकते, तो देख सकते हो सारी चीज़ें। और भाई मेरे रियल ओपिनियंस रहते हैं हर चीज़ में, ऐसा नहीं है कि मैं फेक ओपिनियंस देता हूँ, पर मैं सब कुछ भाई जितना मेरे से हो सकता है मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और आपको भी दिखाऊंगा। बैठक के लिए रेडी हो जाओ सेकंड नाइट पे रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच देखने के लिए। भाई मैं एंट्रेंस कोशिश करूँगा आपकी बार बेस्ट करने का, क्योंकि रोमन रेंस का किया था मैंने और इतना घटिया करा था, बट कोई नहीं, मेरे को आता ही नहीं भाई, मैं तो सच बता रहा हूँ मैंने ऐसे ही कर दिया बस ऐसे हवा हवा में। कोई नहीं, मिलते हैं अब सीधे रेसलमेनिया बैठक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।